कामाख्या मंदिर के सामने आ चुके हैं, मेरे साथ है राहुल, उसके बाद है सूरज। सूरज, आज का प्लानिंग क्या है? अभी तो जाएंगे ऊपर खाएंगे, उसके बाद यहाँ भी खाएंगे, कुछ वहाँ ही खाएंगे। हाँ हाँ, उसके बाद देखते हैं फिर आगे का क्या प्रोग्राम है। 10,000 तक घूमने का। चलो सही है, क्या इधर इधर तू राहुल पूरा बेचैन हो रहा है। तो हम लोग अभी पीछे गाड़ी चेंज कर रहे हैं। अभी राहुल क्या कर रहे तुम? सुनो 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 सुनो, बस में चले यहाँ पे चले, बोलो इससे जाएंगे, इससे जाएंगे। चलो सही है, अपना बस जो फुल होगा, ये रहा अपना मैजिक, ये भी जो फुल होगा, देखते कौन पहले फुल होता है। क्या कर रहा है सूरज वहाँ पे? राहुल क्या कर रहा है? पैदल चल जाते हैं लोग। आजा चलो आगे बैठते, आजा 20 रुपए के लिए। बस में चल रहे हैं हम लोग, वो जाने के लिए लेट करेगा, सो बस में चढ़ लेते हैं क्योंकि बस फुल ही हो चुका है ऑलमोस्ट। मंदिर 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 आ जाइए 10 रुपए। वो वाला चल रहा है अभी, तो वहाँ पे भाग के चलते हैं बिकॉज बस का बहुत टाइम लगेगा। गड्डी हो चुका है शुरू, कैसे बोले सवारी हो चुका है शुरू। मेरे साथ है सूरज और राहुल, हम सब मिलके जा रहे हैं कामाख्या मंदिर में, मिलते हैं आपको ऊपर में। तुम जब देखा है ना मेरा वाला इलेक्ट्रिक वाला, उससे आया था, हम लोग को लग नहीं रहा था कि यहाँ पे चढ़ पाएंगे, उससे भी 3 आदमी बैठ के आए थे। हाँ आराम से आ गया, उसका मैक्सिमम स्पीड ही है 40। पहुँच चुके हैं ऊपर में, लाइक ये कामाख्या टेम्पल जहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल में। तो ये रहा अपना गैंग राहुल और सूरज, और अभी हम लोग चलेंगे कामाख्या मंदिर में। इसके बाद आपको आसपास का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं, बिकॉज कामाख्या मंदिर तो आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। आ चुका है और उसको बहुत ज़्यादा ही भूख लगा है, बिकॉज हम लोग नहीं खा के, मैं खा के आया हूँ, ये इसके लिए है। तो हम लोग का खाना आ चुका है, लंच आ चुका है, हम लोग खा लेते हैं। अपना लंच तो हो चुका है कंप्लीट, थोड़ा सा मीठा खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद चलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर पहाड़ों के, आपको कमा का व्यू पॉइंट दिखाता हूँ कैसा होता है वो। भुवनेश्वरी मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर हो गए, सूरज जी ने करेक्ट किया। हम लोग चल रहे भुवनेश्वरी हम लोग चल रहे भुवनेश्वरी मंदिर। ओके, मिलते हैं आपको ऊपर में, और ऊपर में आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं कि हम लोग पहाड़ों के ऊपर में, एंड बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से गुवाहाटी का। आगे में चलते हैं आगे, अगर और अच्छा व्यू होगा तो आपको दिखाएंगे। गाइस इतना सुंदर व्यू गुवाहाटी का इधर से, वाओ यार। वो कौन सा है पता है? गांधी मंडप, बहुत सुंदर व्यू दिखा रहा है। क्या है पता है? क्या टावर? अच्छा वो टीवी टावर है क्या? हम लोग जहाँ पे ट्यूशन जाते हैं, जाते थे, जाते से हैं। यार ये देखो ना, इधर से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, बट बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। शाहरुख खान लग रहे हो। देखिए यार गुवाहाटी का इतना सुंदर। और एक मंदिर के पास आ चुके हैं हम लोग, भी पता नहीं और कितना दूर चलना पड़ेगा हम लोग को, बट सोचो ये भी आपको दिखा दो। एंड हम लोग एक्चुअल में बहुत ऊपर में है अभी, तो वो रहा ब्रह्मपुत्र नदी, वो देख रहे हैं पुल, वही पुल से हम लोग क्रॉस करके हाँ घर की ओर। सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत धूप हो रहा है यहाँ पे। तो धूप से धूप लोग ये पहुँच चुके हैं मंदिर में, क्या भुवनेश्वर भुवनेश्वरी मंदिर में हम लोग पहुँच चुके हैं। मेरा ये टंग स्लिप बहुत हो रहा है यार, आज पता नहीं क्या हमारे पास टंग है क्या। हाँ बहुत सारा नहीं, एक ही है एक ही है। ये रहा वो मंदिर, आपको अच्छे से गेट दिखाता हूँ। रहा भुवनेश्वरी टेम्पल का बोर्ड, एंड ये रहा मंदिर का गेट, ये बहुत ऊंचा में है। सूरज ये मंदिर का स्टोरी क्या है? यही सवाल अगर आप 100-200 साल बाद पूछेंगे तो मैं अच्छा जवाब दे पाऊंगा ना क्या। तो यहाँ पे बहुत बहुत सारा सीढ़ी भी है, उतना भी नहीं बट है। तो ऊपर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। सो ये बहुत सुंदर से लिखा हुआ है यहाँ पे,
एंड ये माता जी का मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं. ओके सो लेट्स गो इनसाइड एंड शो यू गाइस. जूता पकड़ के बिना हाथ धो के कैसे दर्शन करेंगे? So, ये रहा हुआ मंदिर एंड बहुत ही सुंदर हवा आ रहा है यार, बहुत ही सुंदर हवा आ रहा है. तो देख सकते हैं कि हम लोग बहुत ऊपर ही आए हैं एंड नीचे से पूरा गुवाहाटी का व्यू दिख रहा है. लाइक गुवाहाटी का सबसे बेस्ट जो व्यू है वो शायद इसी जगह से आता होगा. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने 2-3 व्यू पॉइंट्स को देखा है. एंड ये रहा हुआ मंदिर, माता भुवनेश्वरी मंदिर. तो चलिए अच्छे से आपको गुवाहाटी का व्यू दिखाता हूँ. क्या कर रहा है? वाओ यार, गुवाहाटी का इतना अच्छा व्यू अगर कहीं पे मिलता है तो वो यहीं से मिलेगा. ये 110% श्योर है मैं, बिकॉज आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर है. ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे नॉर्थ गुवाहाटी, नॉर्थ असम, अपर असम, तो ये गुवाहाटी है अपना. बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर हवा भी चल रहा है. कैसा लग रहा है व्यू? बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा शांति है ना यहाँ पे. बहुत दिल को सुकून मिलता है भाई. हाँ यार, इतना सुंदर हवा चल रहा है, इतना शांति है यहाँ पे. आत्मा की शांति जो है राहुल, अब क्या तुमको शांति मिल रहा है? तो हम लोग ये व्यू का मजा लेते हैं एंड आपको थोड़ी देर बाद ये बता लेते हैं. क्या हो गया इधर, देखो ठंडा लग गया उसको. तो अभी हम चल रहे हैं कामाख्या माता के उधर में एंड आए हैं तो थोड़ा दर्शन करके जाते हैं. यहाँ पे चप्पल रखते हैं फिर चलेंगे. सो गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं कामाख्या मंदिर में एंड आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड बहुत ही सारे कबूतर और बकरियाँ है यहाँ पे. और देखिए आप, तो गाइस ये रहा कामाख्या माता का टेंपल एंड वो जो ऊपर का है पूरा गोल्ड का है. एंड हम लोग यहाँ पे आज फिलहाल तो सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं एंड कुछ नहीं कर रहे आज, बिकॉज आज लाइक बहुत लेट हो गया है. हम लोग सुबह को आना चाहिए था अगर दर्शन करना होता है तो लाइक सुबह को आके भी लोग यहाँ पे, देखिए अभी तक यहाँ पे लाइन है. सो आज आने से भी नहीं होगा करके, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे. बाकी तो सुंदर है ये. वह भी कुत्तों के साथ खेल रहा है. हम लोग का ये कामाख्या माता के साथ दर्शन तो नहीं हो पाया आज, बट हम लोग ने परिक्रमा किया है, लाइक दूर से ही प्रणाम कर लिया है एंड आशा करते हैं कि कामाख्या माता हम लोग को फिर से बुलाए दर्शन के लिए. एंड इसके साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बिकॉज मैं ऐसे ही ब्लॉग्स लाते रहूँगा. थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. सायोनारा.